think आपके कुलीग आ रहे हैं. He said he's working with good colleagues. He's working with good colleagues. This guy's a liar. Don't whatever. Wrong. Yeah? Where are you from? I'm from Ireland. He's my manager. Ireland. Gary. Yeah, I'm from Ireland. गाइज आज मंडे की सुबह है और ऑफिस से जैसा कि छुट्टी है तो अब्बू ने मेरे लिए रेडी किया है पराठा, ऑमलेट और चाय. और जो है सिर्फ पराठा जो है मंडे को बनता है जिस दिन मेरी छुट्टी होती है. अगर मंडे को तो मंडे को बनता है, ट्यूसडे को तो ट्यूसडे को बनता है. तो अब्बू हमेशा जो है छुट्टी वाले दिन मुझे पराठा देते हैं. नॉर्मली जो है ना मिल्क शेक और जो है ना ब्रेड ऑमलेट देते हैं. तो चलें जी अभी ब्रेकफास्ट इन्जॉय करते हैं और उसके बाद जो है जो भी डेली की रूटीन होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे. अभी नाश्ता सस्ता करके जो है ना मैं निकल रहा हूँ. सबसे पहले तो मैंने जाना है बैंक, क्योंकि बैंक में सीन ऐसा है कि जैसा कि आप सबको पता है कि 21 से 25 के बीच में जो है ना यूट्यूब की जो आपकी इनकम होती है तो वो आ जाती है. लेकिन आज 26 थे तो अभी तक मेरी सैलरी नहीं आई. भाई और भाभी की तो माशाल्लाह से आगे सैटरडे को आई थी, लेकिन मेरी आज मंडे तो अभी तक नहीं आई. तो वहाँ से जाके फॉलो अप लेने भाई क्या सीन है, क्योंकि बैंक क्योंकि यूट्यूब की तरफ से मुझे ईमेल आ गए कि उन्होंने सैलरी जो है प्रोसीड कर दी, लेकिन अभी तक बैंक ने मेरे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया. तो सबसे पहले जा रहा हूँ बैंक, क्योंकि ईद भी आने वाली है, बहुत सारी पेमेंट्स करनी है. और इसके अलावा जो है ना अभी यहाँ पर खाना पक रहा है, यहाँ पर जो है ना दाल पकाई जा रही है. तो ये भाभी बना रही है दाल, ऐसी है दाल चावल बन रहे हैं. तो भाई आज जो है ना दाल चावल इंजॉय करेंगे इसके. तो गाइस जैसे ही मैं अंदर गया बैंक के, तो अभी बैंक से निकल रहा हूँ. तो जैसे ही मैं मतलब ऑपरेशंस मैनेजर के टेबल पर बैठा जिन्होंने मेरा अकाउंट क्रिएट किया था, और जैसे ही मैंने अपनी मैंने सोचा कि अपनी एप्लीकेशन खोल लूँ और चेक कर लूँ शायद ट्रांसफर हो गया हो, क्योंकि आज मंडे तो आधा दिन तो गुजर गया, तो शायद प्रोसीड कर दियो. जैसे ही एप्लीकेशन खोली ना तो मतलब कि सैलरी जो ना मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी थी. तो मतलब कि जहमत ही नहीं पड़ी ऑपरेशन मैनेजर को चेक करने के लिए. तो खैर अभी सैलरी माशाल्लाह से आ गई, अभी चलते हैं गिजरी, कुछ पेमेंट्स वगैरह करनी है. जैसे कहते हैं ना कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए, तो वही हिसाब है मेरा भी. तो अभी मैं गिजरी पहुँचा, यहाँ पर जो है ना ग्रिल का काम जो है ना ऑलमोस्ट कम्प्लीट होने वाले, बस साइड के थोड़ा बहुत रह गए. यार बिलाल ज़बरदस्त, यार बहुत ज़बरदस्त आइडिया था तुम्हारा. ये आइडिया जो है ना बिलाल का था, इसने बोला कि पूरा गेट लगाते हैं और गेट जो है ना बंद हो जाएगा और इसके अलावा अंदर बाइक भी पार्क कर सकते हैं हम. तो जैसा कि आपको पता है यार बिलाल ने ज़बरदस्त काम करवाए, ये जो है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना काम करवाए. इसी होशी में ना तुम्हें जो है ना अभी बोतल पिलाता हूँ, तुम्हें नहीं सबको बोतल पिला, तो भाइयों को पिला देते हैं, तुम भी पी लेना. हाय हाय हाय, दिल कर रहा है, दिल कर रहा है. मूड मूड बन गया, गर्मी लग रही है, मूड बन गया. चलो फिर अभी रुको ना, किसी को मंगवा लेते हैं, कॉल कर लेते हैं फैसल को. चलो मैं पैसे देता हूँ, रुको. तो ये बिलाल भाई खुद ही जा रहे हैं बोतल लेने. सही है, कौन सी लाओगे? ब्लैक. पूछ लो भाइयों से कौन सी पीएंगे. भाई कोल्ड ड्रिंक कौन सा पीते हो? ब्लैक, व्हाइट, ऑरेंज, सब मिक्स करके दे दो. चलो ब्लैक ले, कौन सी पसंद है? मैं कोक ही लाऊं. बस वही लिया जो तुम्हारा दिल करे. तो बिलाल अभी गए हैं कोल्ड ड्रिंक लेने, जब तक हम जो है यहाँ पर काम वाम देख लेते हैं. और भी कोल्ड ड्रिंक लेके आए हैं, लेकिन जो है ना इसको अभी तक जो है ना रमजान मुबारक लिखा हुआ, ये पुराना स्टॉक नहीं है, कंपनी का भाई, ये कंपनी पुराना स्टॉक है, पुराना स्टॉक दुकानदार था. अभी तो बकरा ईद आने वाली है, इस पर ईद उल अज़हा मुबारक लिखाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर रमजान मुबारक लिखा हुआ है. एक्सपायरी देख लेते हैं भाई, चेक करनी चाहिए हर चीज. तो एक्सपायरी जो है इसकी शो हो रही है कितने, एक्सपायरी कित, अच्छा इसकी रिटेल प्राइस जो है ना लिखे 142 और कितने की दे रही है 180 की. एक चीज़ एक और भी पता चल गई, 180 की नहीं 160 की, 160 की, 160 के दिए. चलो भाई इसको जो है ना अभी हम बंद कर दें और लॉक जो है ना बिलाल लगा लेगा. और ये जो है ना काम कंप्लीट हो गया और ये फुली कवर हो गए, बस यहाँ पर जो है ना स्टेयर्स की जो रेलिंग होती है वो लगेगी ना, फिर पूरा जो है ना कवर हो जाएगा साइड वाला. तो रेलिंग भी जो है ना ये जल्द ईद के बाद कोशिश करेंगे लग जाए. तो ये जो है ना ये कवर हो गया, ये एरिया तो कवर हो गया. बाकी यहाँ पर जो है ना अंदर दो बाइक भी पार्क हो सकती हैं और फिर बाहर से जो लॉक लगा सकते हैं. भाई गिजरी से होने के बाद मैं आया था जिम की मालूमात लेने, और यहाँ पर जो है ना जैसे कि आप देख सकते हैं सीवी आया हूँ, बट यहाँ पर अभी फ़िलहाल कंस्ट्रक्शन चल रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, काम वाम चल रहा है. तो रोड की हालत बुरी है फिलहाल. ये रहा जिम, इतना बड़ा जिम आपने फर्स्ट टाइम देखा हुआ, और मैंने भी फर्स्ट टाइम अंदर से विज़िट किया है. और विज़िट मेरे दोस्त यहाँ पर होते हैं जो कि एज अ ट्रेनर काम कर रहे हैं, और जिम का नाम तो दिखाते चले, प्राइवेट जिम है. और माशाल्लाह से भाई ये तो फुली फिट है,
अच्छे लग रहे हो यार, तुम्हारे पास टी शर्ट अच्छी लग रही है। ये मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी? ये सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए। अच्छा एक बार पीछे करना। तो ये फिटनेस कोच है यहाँ पर, एज अ मतलब फिटनेस कोच एफ सी काम करें, और जो है उनसे जो है मालूमात मिले आया था, इन्होंने विजिट भी करवाया, काफ़ी अच्छा अंदर मतलब जिम बना हुआ है, प्रॉपर जो है क्लासेस होती हैं, ग्रुप क्लासेस भी होती हैं योगा की, और इसके अलावा डिफरेंट क्लासेस हैं और जिम भी है, और यहाँ की मेम्बरशिप भी इनकी रेफरेंस से काफ़ी मतलब मुझे सस्ती मिलेगी। और तो अभी देखने में विजिट करने आया था फिलहाल तो, और इनसे थोड़ा बहुत के आइडिया लेने, और काफ़ी अच्छी एडवाइस भी दी इन्होंने, तो सोचो विचार करके देखते हैं यहाँ पर एडमिशन सोचा है, अभी देखते हैं अल्लाह खैर करे। तो सोया भाई बहुत शुक्रिया। आप एनी टाइम तो इंशाल्लाह ईद के बाद कोशिश करेंगे, अभी तो ईद आने वाली ना, ईद के बाद आया भाई, बी फिट। हाँ आपके जैसा फिट होना है मैंने। टाइम देना पड़ेगा, मतलब ज्यादा मुझे वो नहीं चाहिए, मसल्स नहीं चाहिए, बट बैड हैबिट को छोड़ना पड़ेगा फिर बस। बैड हैबिट मतलब खाना है, बुरे खाने, मतलब ऐसी ऐसी बैड हैबिट्स तो नहीं है मेरे अंदर, तो खैर मतलब खाना है को मतलब बैड ईटिंग जो आपका फास्ट फूड होता है उनको कम करना पड़ेगा। अच्छा उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने नफ्स पे काबू करना पड़ेगा। एग्जैक्टली तो छुट्टी वाले दिन संडे खाली। अच्छा 6 दिन कंट्रोल। अच्छा एक दिन चीट डे हो सकता है, चीट डे आप एक दिन सही है, चले इतने जालिम नहीं है देखते हैं। चले भाई, वैसे टी शर्ट जो है ना बहुत अच्छी लग रही है, सबसे ज्यादा मेन जो है ना टी शर्ट मुझे बहुत पसंद है। पैसे चलो भाई, तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं भाई, ईद के बाद जो है ना इंशाल्लाह ज्वाइन करते हैं भाई। ये जो है ना जिम का कैफे, जैसे ये तायफुल कैफे, यहाँ पर जिम के ना बिल्कुल जो है ना साथ में जो है ना कैफे खुला है, और ये आगे की तरफ जो है ना जिम के एंट्रेंस है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ऊपर टायफुल लिखा हुआ है, तो पूरा पूरी बिल्डिंग में जिम है ना, चारों फ्लोर बेसमेंट में भी है और चारों फ्लोर। तो अभी अंदर गया था सिर्फ मेरे कोई एक दो फ्लोर विजिट के, वो जेंट्स के है ना, फीमेल अलग है। अरे फीमेल अलग है, तीन फ्लोर जेंट्स के पास है, दो फ्लोर फीमेल के पास। और सॉरी आपके पास क्या? हाँ अभी बताएं, तीन फ्लोर बेसमेंट और दो फ्लोर जो है ना ग्राउंड और फर्स्ट, ये जेंट्स के पास है, और बाकी जो दो फ्लोर है टू और थर्ड जो है वो फीमेल के पास है। अच्छा मेल्स अलाउड नहीं है वहाँ पे, ट्रेनर भी फीमेल है। अच्छा मेल्स और फीमेल्स अलग अलग बिल्कुल सेपरेट है, वहाँ पे ट्रेनर, वहाँ पे स्टाफ, वहाँ पे जो भी वर्किंग वाले एम्प्लॉय है वो सारे फीमेल है, वहाँ पे मेल बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो आई थिंक आप के कुलीग आ रहे हैं। हाँ व्हाट ही सेड यू? ही सेड ही इज वर्किंग विद गुड कुलीग, ही इज वर्किंग विद गुड कुलीग्स। दिस गाइस अ लायर, डोंट व्हाटएवर ही सेड इज रॉन्ग। वेयर आर यू फ्रॉम? I'm from Ireland. He's my manager. Ireland? Gary. Yeah, I'm from Ireland. Okay, thank you. He's my manager. Gary. यहाँ पर ट्रेनर्स भी जो है भाई इंटरनेशनल है। वाह यार, यहाँ पे हमारे साथ जो है जैसे लोकल भी हैं। मैं एक पाकिस्तानी हूँ, एज अ पीटी, सॉरी मेरा बैच एज अ पीटी जीएच, तो पर्सनल ट्रेनर सर्टिफाइड, इनके पास से सर्टिफिकेशन लिया मैंने, तो हम कुछ लोकल। अच्छा हाँ, और कुछ यहाँ पे जो है ना वो इंटरनेशनल भी हैं, यहाँ पे साउथ अफ्रीका से, यहाँ पे गैरी है आयरलैंड से, रोशेल है, यहाँ पे यूएस से है वो। अच्छा पर इंटरनेशनल ट्रेनर भी हैं, यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेनर्स हैं, और इन्होंने मतलब यहाँ पर इनको कोचिंग ऐसे इजीली नहीं मिली, इन्होंने पहले सर्टिफाइड कोर्सेज किए, उसके बाद जाके इनको यहाँ से कोचिंग मिली है, तो बेहतरीन यार। और तला भाई को इंट्रोड्यूस करूँ कि हमने ना एक ही कंपनी में काम किए काफ़ी अर्सा, और बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और कुलीग भी थे, तो अभी जो ना ये हमारे कोच भी होंगे इंशाल्लाह। चलिए तला भाई बहुत जो है ना शुक्रिया, मिलते फिर इंशाल्लाह। अभी फिर से वापस गुजरे हैं मामू की शॉप पे, और मामू कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मामू, ये तुम्हारे दोस्त हैं दोनों जो? ये गार्ड है मेरे, गार्ड गुलेरी। गुलेरी कौन सा है? ये गुलेरी है। अच्छा भाई व्हाइट वाला जो है ना गुलेरी है, और ये वाला कौन सा है? ये कालू है। कालू, इसका नाम कालू किसने रखा है? मैंने खुद रखा है। दोनों के नाम, एक गुलेरी एक कालू। सही है यार, जबरदस्त मामू। हमारे गार्ड है, स्पेशल गार्ड। अच्छा भाई मैं दिन में आया था, जब जो मतलब कि ग्रिल्स लग रही थी तो पेमेंट करने आया था, और आज जितने भी मतलब पेमेंट्स देनी है मैंने लोगों की, तो आज क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि आज जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सैलरी आ गई यूट्यूब की। तो मामू तुम्हारे भी कुछ पेंडिंग व्यूज़ हैं मेरे ख्याल से? पेंडिंग 2000 है। 2000 है ना? हाँ तो 2000 रुपये मामू को इतने थे, जो दिन में मामू के पास आया था मामू थे नहीं। दिन में कहाँ थे आप? दिन में यार आराम कर रहा था, सुबह दुकान पे था। अच्छा रात से दुकान गया था, बल्कि फिर जाके सो गया था। तो स्पेशली अभी मैं आपके लिए आया हूँ, वैसे बस आप कल आ जाते परसों आ जाते। मामू ने कोई ड्यूस मेरे ख्याल से 3-4 दिन हो गए ना? तीन चार, और एक बार भी मैसेज नहीं किया मुझे, पता है अगर ईद तक नहीं आता तब मैसेज नहीं आता, लेकिन खैर ड्यूज तो क्लियर करने होते हैं जिनका उधार होता है उनको, जो क्लियर करना होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मामू, वही पैसे देने आया हूँ। अल्लाह खुश रखे आपको। मामू का एक मसला है कि बैंक अकाउंट नहीं, मामू को ट्रांसफर नहीं कर सकते, सिर्फ कैश में डील करते हैं। ये लो जी मामू आपकी अमानत। थैंक यू वेरी मच भाई, शुक्रिया आपका भाई।
तो गाइस घर आते हुए जो ना मैंने रास्ते में अपनी बाइक सबसे पहले तो मैकेनिक को दी, क्योंकि बाइक में काफ़ी काम था जो करवाना था, ऑयल चेंज होता है, सर्विस वगैरह, तो वो करवाने के लिए दिए। और अभी पहले सबसे पहले जो है ना खाना खाते हैं, क्योंकि काफ़ी भूख लगी है। और ये रूम थोड़ा ठंडा है क्योंकि इस रूम में जो ना एसी चल रहा है, और इसी रूम में जो ना बैठ के अभी जो ना डिनर करते हैं। और जाते हुए मैंने दिखाया था अब्बू और भाभी खाना रेडी कर रहे थे, और खाने में जो ना दाल चावल बने। तो अभी बाहर जाता हूँ, कहीं भी जाता ना जितनी भूख लगे मैं बर्दाश्त करता हूँ और घर आके खाना खाता हूँ, क्योंकि घर का खाना ना ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। और बाहर का खाना वैसे भी घर वाले मेहनत करके बनाते यार हमारे लिए, मेरे लिए, भाई के लिए, तो मैं सोच रहा हूँ यार बाहर से खाने से बेहतर घर जाके आराम से, मतलब एक तो साफ़ सुथरा खाना खाने को मिलता है, दूसरा जो है ना इनकी मेहनत भी होती है अब्बू की और भाभी की, तो घर से ही प्रीफर करता हूँ। बाहर भले जितनी भूख लगी मैं कुछ नहीं खाता हूँ, घर आके मैं जो है ना खाना खाता हूँ। और ऑफिस जाते हुए भी जैसे आपको दिखाता हूँ कि व्लॉग्स में आपने देखा होगा कि लंच भी जो है ना घर से लेके जाता हूँ। तो चलें अभी दाल चावल एंजॉय करते हैं, और साथ में सैलेड भी है, और मिर्ची तो मैं खाता नहीं, इतनी मिर्ची को डाली, बड़ी मिर्ची साइड पर कर लेते हैं। तो मिलते हैं आपसे कुछ ही देर बाद। गाइस इस वक्त रात 11:40 हो रहे हैं, और जो है ना वापस आते हुए मैंने बाइक जो है ना मैकेनिक को दी थी, और जैसा कि आप देख सकते हैं और गाना भी सुन सकते हैं, जो है ना मौसम के अकॉर्डिंगली जो है गाना चला दिया है बरसात के मौसम में, क्योंकि बाहर जो है ना बारिश हो रही है, और अचानक से बारिश हो गई है, दिन में गर्मी थी और यहाँ पर जो है ना शाम में बारिश हो गई है। बाइक मेरी गीली हो गई थी, बन के खड़ी हुई थी पर गीली हो गई थी, तो इसको अभी कपड़े लगा रहे हैं और अभी लेके जाऊंगा। और सामने मेरा जो है ना सामने बिल्डिंग है, और वहाँ पर जो पार्किंग के अंदर कौन से खड़ी कर दूंगा, क्योंकि सड़कें गीली हो गई हैं। चला भाई शुक्रिया। आज के दिन का आखिरी काम जो है ना वो जो है ना इस कैब से छुटकारा पाना है, क्योंकि जो है ना बालों की सेटिंग आउट हो गई है और ईद भी आने वाली है। तो अभी बिलाल भी खुद की जो है ना लगते हैं मालिश करवा रहे थे सर पे, बाल पे जो है ना मसाज वगैरह करवा रहे थे। तो रेडी सही है, हेयर कटिंग और क्या कहते हैं दाढ़ी बनवानी है, बना देते हैं, लेकिन उसके लिए हाथ की ज़रूरत नहीं पड़ती, दिल की ज़रूरत। हाँ भाई अभी जो है ना मैं उसी टाइम आता हूँ बिलाल भाई के पास जब जो है ना कि ये जो है ना काम से फ्री रहते हैं, जैसे कि आप देखेंगे इस वक्त जो है ना फुल फ्री है, कोई कस्टमर नहीं है। मूवी चल रही थी जो कि अभी मैंने पोज करवाई थोड़ी देर के लिए, माजरत इम्तियाज भाई। चले गाइस अभी जो है ना फिलहाल सर्विस टाइम है, और फिर मिलते हैं आपसे कुछ ही देर बाद। तो गाइस अभी घर पहुँचा हूँ, और हेयर कट और जो है ना दाढ़ी वगैरह बनवाने के बाद जो है ना मसाज करवाना था, लेकिन जो है ना आज मसाज नहीं कराया क्योंकि काफ़ी गर्मी हो रही थी, और हालांकि बाहर बारिश हुई है थोड़ी देर पहले, लेकिन फिर भी जो है ना गर्मी वही सेम ही है। तो सोचा कि ईद के बाद ही जो है ना मसाज वगैरह करवाएंगे, क्योंकि मैं जब भी जाता हूँ ना बाल वगैरह सेट करवाने या दाढ़ी करवाने तो मसाज भी करवा लेता हूँ, बालों का हेयर मसाज होता है। तो चले अभी जो ना अभी घर पहुँचा तो अब्बू जो है ना किचन में ही थे, अब्बू जो ना इस वक्त भी किचन में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सोए नहीं आप भी, सो के उठे? मैं अभी उठा हूँ, सो गया था। नींद पूरी हो गई? जी। अच्छा जी। अच्छा भाई अब्बू कभी कभार रात को जल्दी सो के सुबह उठते हैं, और कभी कभार जो ना जल्दी सो जाते हैं शाम के वक्त, और जो ना रात को फिर आँख खुल जाती है। तो अभी अब्बू उठ के किचन वगैरह की जो ना मतलब किचन में ही आ जाते हैं, नींद पूरी होती है किचन में ही जो ना आके मतलब हलचल करते रहते हैं। अब्बू मैं सो रहा हूँ जी। तो अभी गाइस फ्रेश होते हैं और शावर लेते हैं, उसके बाद सोते हैं क्योंकि सुबह ऑफिस जाना है, और छुट्टी का दिन था आज, तो आज जितने भी काम थे तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी काम जो है ना रिजॉल्व कर लिए हैं, और बाकी ईद भी आने वाली 3 दिन बाद, तो बस दाढ़ी वगैरह जो है ना बाल वगैरह बनवाने से जो बनवा लिए, क्योंकि उस दौरान बीच में जो है ना मेरी छुट्टी नहीं होती तो मुझे टाइम नहीं मिलता, तो आज जो है ना बनवा लिए। तो चलें जी अभी सोते हैं और फिर मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेलकम टू द सेम व्लॉग। और कल जो है व्लॉग एंड नहीं कर सका था, तो अभी ऑफिस पहुंच के व्लॉग एंड करने लगा हूं। और इसके अलावा जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि ईद जो है ना मैं पंजाब स्पेंड करने जा रहा हूं, और जो है कि एनिवर्सरी कहेंगे 1 साल यूट्यूब पर हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और कह भी रहे थे शाह काशिफ भाई शानी भाजी यहाँ आके ईद मनाओ, बट किस्मत में नहीं था, क्योंकि दरअसल सीन ऐसा है कि लीव्स के लिए मुझे ऑफिस लीव्स के लिए अप्लाई करना होता है, और मैंने अप्लाई भी की थी थ्रू ईमेल, बट लीव जो है ना रिजेक्ट हो गई है, क्योंकि रिसेंटली मैंने फरवरी में भाई की शादी में कोई 14 days 2 weeks की लीव्स दी थी, जो कि अभी दोबारा मैं लीव्स नहीं ले सकता। पहले मतलब 5 दिन के लिए अप्लाई की थी, लेकिन वो भी नहीं ले सकता। तो ऑपरेशन हमारे 24/7 होते हैं, ईद पर भी ऑपरेशन मतलब ऑपरेशनल होता है और काम वगैरह चल रहा होता है। तो खैर अभी जो है ना सीन ऐसा है कि
इस पे तीनों दिन आना होगा और ऑफिस में मतलब एक दिन की छुट्टी अलाउ थी, लेकिन मेरा खैर अभी कहीं जा तो सकता नहीं, अगर पंजाब चले जाता तो वेल एंड गुड था, लेकिन अभी कहीं जा नहीं सकता। तो ईद पे जो है ना मैंने कहा कि मैं तीनों दिन अवेलेबल हूँ, ऑफिस आ जाऊँगा। तो इसी वजह से जो ना अभी फ़िलहाल पंजाब जाना कैंसिल हो गया है, क्योंकि लीव्स हो गई हैं रिजेक्ट। चलो खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो ईद कराची में मनाएंगे। और आप सबके कमेंट्स ही आ रहे थे कि वही फैमिली के साथ मनाओ, और मतलब कि जैसा कि आप सब मतलब चाहते थे कि मैं फैमिली के साथ मनाऊँ ईद, घर पे मनाऊँ, तो जो होता है वही ना अच्छे के लिए होता है। तो इसी इसमें भी खुश हूँ मैं, कोई मसला नहीं है। तो दिसंबर में दोबारा से लीव ले लेंगे, और फिर जो है एक और प्लान है, तो दिसंबर में एक और जगह सोचा है, तो वहाँ पर लीव अवेल कर लेंगे एक साथ। तो चलें जी, यहीं पर करता हूँ अपना व्लॉग एंड। और इसके अलावा जो है ना रिएक्शंस जो है ना, जैसे कि मैंने रिएक्शन स्टार्ट किए और रिएक्शंस जो है ना मैं एक दे चुका हूँ, और इसके अलावा मज़ीद रिएक्शंस दिया करूँगा, तो वो जो है ना अलग रिएक्शन का अलग जो है ना मतलब कि कोशिश करूँगा व्लॉग से अलग हट के बनाऊँ रिएक्शंस, या अगर कभी देना हो तो व्लॉग के साथ ही, क्योंकि एक दिन में दो वीडियोस बनाना मेरे लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि काफ़ी जो है ना ऑफिस का काम ईद के ड्यूरिंग ईद काफ़ी बढ़ गए। तो एक दिन में कल जैसे मैंने रिएक्शन दिया था, तो आज मैं व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ, और इसमें जो है ना रिएक्शन ऐड नहीं करा, क्योंकि मैंने सोचा रिएक्शन के लिए अलग वीडियो बनाऊँगा। तो दो और रिएक्शन और व्लॉग दो एक साथ मतलब दो वीडियोस अलग अलग अपलोड करना सेम डे पे इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऑफिस में भी काफ़ी फ्लक्स होता है, काफ़ी बिजी होता हूँ, तो मतलब इतना सब कुछ मैनेज करना पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। चलें जी व्लॉग पे एंड करते हैं, और अभी इस वक्त जो है नींद के झटके भी थोड़े आ रहे हैं ऑफिस में, तो पठान की चाय पियेंगे तो एकदम मस्त जो है ना फ्रेश हो जाएंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, टाटा अल्लाह हाफिज़।